नमस्कार, मैं अलिश पपोला आज के समाचारों में आपका स्वागत करती हूं। पेश है आज के मुख्य समाचार। एसजीपीसी प्रधान ने शुरू की तेजा सिंह समुद्री हॉल की रंगाई और साराघड़ी सरांग की कार सेवा। पुलिसकर्मी के बेटे की हत्या के मामले में दो गैंगस्टर किए गए गिरफ्तार। अमृतसर के स्थापना दिवस के मौके पर इको अमृतसर की ओर से निकाला गया मार्च। अब खबरें विस्तार से। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के दफ्तर में स्थित सिख पार्लियामेंट कहे जाने वाले तेजा सिंह समुद्री हॉल की कार सेवा का कार्य शुरू कर दिया गया है। दरअसल 1984 में हुए फौजी हमले में इस इमारत को काफी नुकसान हुआ था और इस मामले में इसका एक केस भी अदालत में चल रहा है। वहीं इस बीच अब इस इमारत में लगे गोलियों के निशान हैं, जिनको प्रिजर्व किया जाएगा। साथ ही इसकी कार सेवा का कार्य आज शुरू कर दिया गया है और ये सेवा संत बाबा कश्मीर सिंह पुरी वालों को दी गई है। इस मामले में बाबा जी ने इस सेवा के लिए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का धन्यवाद किया। साथ ही इस पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान का कहना है कि इस काम को अब शुरू कर दिया गया है। आज नवे कदम है, एक ता सिखा दी जरा पार्लियामेंट हाउस है तेजा सिंह समुद्री हाल, क्योंकि 1984 दे विच सरकार दे कांग्रेस सरकार दे फौजी हमले इसमें दे समय ते इसे काफ़ी गोलियां लगियां, काफ़ी ये ते नुकसान इन पहुँचाया गया। और 1984 तो लैके आज तक संभाल रखी गई इस तरह, क्योंकि हाई कोर्ट दे विच दिल्ली हाई कोर्ट विच इहदा एक केस चलता है 1000 करोड़ रुपए के मुआवजे का। फिर वकील नाल सलाह करके जिहड़े गोलियां दे निशान ने जिहड़े उस हमले दे फौजी हमले दे निशान उन्हां नूं प्रिजर्व करदे होया अज इहदी रेनोवेशन का काम जिहड़ा वो आरंभिया गया। इहदी कार सेवा बाबा कश्मीर सिंह जी भूरी वालिआं नूं दित्ती गई है और इहदी सारी रेनोवेशन करके इहदा रंग रोगन करके इहनूं तैयार करनगे। सैकंड फ्लोर तों लै के 9वें फ्लोर तक हर फ्लोर ते 15-15 कमरे कुल 120 कमरे होणगे। इसका कुल एरिया 60,000 स्क्वेयर फुट सराह दे दूजे फेज की सारी 12 करोड़ रुपये खर्चा होंगे। श्री गुरु रामदास सचखंड श्री हरिमंदर साहब कॉम्पलैक्स के जिहड़ी इमारत तेजा सिंह समुद्री हाल आ उहदे रंग रोगन की जिहड़ी सेवा वा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों दासां नूं सौंपी गई है। संगतां दे सहयोग दे नाल गुरु साहब की कृपा दे नाल थोड़े समय दे विच ही सेवा जिहड़ी आ मुकम्मल हो जाएगी। पंजाब पुलिस में तैनात पुलिसकर्मी जंग बहादुर सिंह के बेटे लायक दीप सिंह की हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझा देने का दावा पेश किया है। इस मामले में पुलिस ने मणि प्रताप और तेजवीर सिंह को गिरफ्तार किया है। दरअसल लायक दीप सिंह जब 21 मई की रात को 10 बजे के करीब अपने दोस्तों के साथ गोपाल मंदिर के पास बनी मार्केट में घूमने के लिए गया था, तभी रास्ते में चलते समय उसका कंधा एक गैंगस्टर के साथ लग गया। दरअसल रास्ते में भीड़ होने के कारण वह आपस में भिड़ गए, जिसके बाद उन गैंगस्टर्स ने इन तीन दोस्तों पर गोलियां चला दी, जिसमें लायक दीप सिंह की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि उसके बाकी दोस्त बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं इस संबंधी अब पुलिस द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके बाकी साथियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही कहा कि उक्त आरोपियों पर पहले से ही कई मामले भी दर्ज हैं। जो पिछले मई महीने के दौरान 21 तारीख को गोबल मंदिर के नेड़े विच लायकदीप सिंह दे मुंडे दी मर्डर होए सीगे, उन्हां दा नाल दोस्त वगैरह ने उन्होंने भी जख्मी होए सीगा, उहदे विचों 5 दोषी ने असी आइडेंटिफाई किए ने तफ्तीशी के दौरान। उन 5 दोषी दे विच उन असी 3 बंदिआं नूं गिरफ्तारी कीती है, 3 बंदे असी 2 असला बरामद कीते ने, बाकी तफ्तीशी जा रहे। उहदे विचों असी 2 बंदे पकड़ ले ने, बाकी 3 बंदे रह गए ने। इन्हां ने जिहड़े वारदात करन तों बाद जदों पणा लिया है एक बंदिआं नूं, असी उन्हां नूं काबू कीती। इन्हां दा मोडस ऑपरेंडी यही है, पहले इन्हां दा खिलाफ़ ज़्यादा परचा वगैरह दर्ज ने, इन्हां ने पिछले
दो केसिस दे विच अमृतसर दे शहर दे विच दो जगह पे इन्हां ने गोली चले ने, ठीक है, इन्हां दा परसनल रंजिश भी है दूसरे बंदे दे खिलाफ। सो इहदे विचों एक ग्रुप दे दूसरे खिलाफ आपस में इन्हां दा डिस्प्यूट प्लस कॉम्पिटिशन चलते रहे सी। नहीं, इन्हां दा जो बेसिक है तो NDPS वगैरह के इशूज हैं। अचानक झगड़ा हुआ सीगा उत्ते जड़े विक्टिम ने उन्होंने अपने पार्टी करके वापस आ रहे सीगा। एक जगह पे ये लोग भी अपने काना कोना कर रहे सी। जदों इन्होंने आए सीगा उत्ते थोड़ा टक्करबाजी हुआ सीगा, लड़ाई झगड़ा होने शुरू हो गया, उदो विच फायरिंग हो गई, उन्होंने गोली चला के बंदे नु मरवा दिया। अमृतसर के पॉश एरिया रंजीत एवेन्यू में अचानक मुथूट फाइनेंस के गार्ड से गोली चलने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि सिक्योरिटी गार्ड से ये गोली गलती से चल गई। इससे रास्ते से जा रहे राहगीरों में 5 लोगों को गोली के छर्रे लगे। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। चलाई गोली ना आई ना को चले ना आई के चलाई ना आई उन्होंने नहीं चलाई चल गई गोली। मैं बैठा सी आराम नाल बैरल मोढ़े रखी सी, बस अपने आप चल गई। बस लॉक लगा ऑटोमेटिक फायर हो जांदा इहदे च। केश कुमार ही इत्थे बोर्ड लगा ही सिक्योरिटी एजेंसी वालों 12 रफली चानचक चल गई है। 3-4 जे कोई पब्लिकमैन इंजर्ड हो गया तो गार्ड नु आई हिरासत लै लिया, जमानती कार्रवाई की जाएगी। पठानकोट और पाकिस्तान के साथ लगते सीमावर्ती इलाकों का जायजा लेकर गई सांसदीय कमेटी की टीम के चेयरमैन प्रदीप भट्टाचार्य द्वारा मीडिया में दी गई अपनी रिपोर्ट के बाद पठानकोट एयरबेस के साथ लगते गाँवों तथा रिहायशी इलाकों में पुलिस ने पूरे इलाके में बारीकी से सर्च अभियान चलाया है। उनकी रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकी अभी भी इलाकों में छुपे हुए हैं और कभी भी हमला कर सकते हैं। जिला पठानकोट की पुलिस द्वारा जो सर्च अभियान चलाया जा रहा है एक बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि जिस तरह का पहले एक हमला जो पठानकोट एयरबेस पे हो चुका है उसको देखते हुए ये इनपुट एक बहुत ही अहम रोल अदा करती है। तो पुलिस की जो पेट्रोलिंग है एक हम शहरवासियों के लिए देशवासियों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, ताकि हमें किसी तरह का नुकसान ना हो सके, देश को किसी तरह का नुकसान ना हो सके। और हमें देश शहरवासी होने के नाते पुलिस को पूरा कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि पुलिस जो ये है अपने जो पब्लिक एरिया है सिविलियन एरिया है उसके आसपास है। कुछ पब्लिक के कुछ लोग घबराए हुए हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, पुलिस हमारे साथ है, इंटेलिजेंस भी हमारे साथ है, हमें पुलिस का साथ देना है ताकि इस तरह की जो पहले घटना हुई है उसको रोका जा सके। पार्लियामेंट कमेटी के हेड सके श्री पी भट्टाचार्य उन्हें कोलकाता जम्मू स्टेशन दी उन्होंने जमन पता लगा कि पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन के आस पास पिंड कुछ आतंकवादी छिपे है। मैं इस बारे सिंसियर सीनियर मैन मैं कोई बहुत कमेंट नहीं करना चाहता। सो अभी सोचा कि अभी सर्च करके देख लेने भी की नहीं है। तो अज मेरे सारे ऑफिसर सारे SHO तकरीबन अभी 300 के करीब असी हाँ जवान लैके आए फोर्स के असी जो 25 की पिंड आस पास है सारे अभी सर्च किए हैं। लोगों ने अभी घरों घर जाकर पूछा है, गली गली जाकर पूछा है कि दसो सरपंच से पूछा है, गुजर डेरे सर्च किए असी कोई ऐसी कोई चीज़ नजर आई है, किसने भी इस चीज़ को इनकार किया है। फिर भी असं जागरूक करके आए हैं कि साढ़ा 100 नंबर है, साढ़े SHO नंबर ने कि तुम कोई भी ऐसी कोई चीज़ सस्पिशियस नजर आती है तो सू तुरंत इनफॉर्म करो। बट मैं आई विल लाइक टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड कि पठानकोट बिल्कुल सेफ है, कोई ऐसी गल नहीं है। बट वी आर फुली अलर्ट एंड सू विश्वास है कि अभी सक्षम है इस चीज, ऐसी ना कोई सिचुएशन है ना अभी हो देंगे, जो को आया तो वील टेक इट ऑल्सो। गुरु नगरी अमृतसर के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में इको अमृतसर की ओर से श्री अकाल तख्त साहिब से एक मार्च निकाला गया। इस मार्च में सभी धर्मों के लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर इको अमृतसर के चेयरमैन सरदार गुणबीर सिंह ने बताया कि आज अमृतसर का स्थापना दिवस है और इसी दिन इको सिख तथा इको अमृतसर की ओर से गुरु नगरी को हरा भरा और प्रदूषण मुक्त करने का संकल्प लेकर ये मार्च निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2017 को गुरु नगरी अमृतसर की स्थापना के 443 वर्ष पूरे हो रहे हैं और उनका संकल्प है कि 2017 तक गुरु नगरी को प्रदूषण मुक्त बनाया जाए। सब तो पहला तो अमृतसर के शहर वासियों और समूह जगत जिहड़े अमृतसर के प्यारे ने
उन्होंने 439वां अमृतसर स्थापना दिवस की लख लख वधाई असी देने हैं। अज असी एक मार्च फॉर अमृतसर करन लगे हैं जिहड़ी कि संतोखसर साहब तो शुरू हो के और अपना कंपनी बाग तक जाएगी और उत्थे फिर सिटीजनज मीट की जाएगी, सारे लोग जड़े शहर के पतवंते इकट्ठे होणगे। ये उत्साह इस पिछे असी करते हैं कि ताकि असी कुछ जड़ियाँ जरूरत हैगियाँ इस शहर दियाँ वो पूरियाँ हो सकन, जिमें कि इत्थे सानू ट्री प्लांटेशन रुख लाउण दी बहुत लोड़ है और इस दे अलावा पानी बचाउण दी बहुत लोड़ है। तीजा जिहड़ा फोकस एरिया ऐतका हैगा और शहर की साफ सफाई बारे है और ये तीन मैं समझना अगर असी इशूज़ के उपर कॉन्सनट्रेट इस साल कर लीए, क्योंकि ईको अमृतसर का टीचा है कि 2017 तक इस शहर दे विच एक चंगा फर्क अगावधु फर्क पैदा कर सकीए। इस वास्ते ईको अमृतसर और ईको सिख रल के पिछले तकरीबन 4 साल तो काम कर रहे ने और वक् वक् थावां ते इस सारा हफ्ता ही प्रोग्राम उलीके गए ने जिदे विच वर्मी कंपोस्टिंग पिट्स लाइया जाणगियां, ट्री प्लांटेशन की जाएगी स्कूलों के विच, कॉलेजों के विच और वक् वक् थावां दे उपर चंगे प्रोग्राम रखे गए ने और जेडे इस हफ्ते दे दौरान किए जाएंगे। ये एक हमेशा ही ईको अमृतसर के प्रोग्राम समूह अमृतसर के प्रोग्राम ने जिस दे विच इंटरफेथ गैदरिंग होंगी और हर तरह का रिलीजस, इस दे विच कास्ट क्रीड रिलीजन की कोई गल नहीं हैगी, हर किसी का यह प्रोग्राम हैगा और हर किसी नूं चाहीदा है कि यह प्रोग्राम अपना ले और अपना भी रहे ने। अमृतसर के कैंट थाने में एक 12 वर्षीय युवक को बिना किसी जुर्म के थाने के अंदर रात रखने का मामला सामने आया है। दरअसल अमृतसर के गुरु अमरदास एवेन्यू में रहने वाली एक महिला वकील अनूप गुप्ता का अपने इलाके के रहने वाले एक व्यक्ति विकी कपूर से विवाद हो गया था। वहीं इस बीच दोनों में आपसी झड़प भी हो गई। इस बीच महिला ने आरोपी पर संगीन आरोप लगाए हैं और कहा है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इतना ही नहीं, महिला का कहना है कि आरोपी जो है वह नशे का कारोबार करता है, इसलिए पुलिस उसको कुछ नहीं कहती। इसी के चलते पुलिस ने उसके भतीजे को, जिसकी उम्र महज 12 से 13 वर्ष है, उसे अपने साथ थाने में ले आई। इस संबंधी पुलिस ने कहा कि बच्चे को हिरासत में रखने की उन्हें कोई जानकारी नहीं है और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम प्रणव है। मैं कल अपनी छोटी सिस्टर को दादी के घर से लेने गया तो उधर वहाँ पे लड़ाई हो गई, तो उन्होंने फिर, मैं तो वहाँ पे खड़ा ही था, साथ में मेरा एक फ्रेंड था, तो हमें भी पुलिस वाले कहते कि तुम लोग भी चलो, तो पहले तो कहते हैं आपको छोड़ देंगे, तो फिर कहते कि वहाँ पे जाके समझौता कराना, फिर हमें यहाँ पे लेके आए। फिर रात तक इन्होंने हमें ना कोई फ़ोन करने दिया किसी को, हमारे फ़ोन भी ले लिए मम्मा पापा के, मम्मा को भी मारा उन्होंने। तो फिर ये कहते हम तो ऐसे ही करेंगे, हमने नहीं जाने देना। रात इधर अंदर ही पुलिस स्टेशन, 12 ईयर्स, पुलिस ने भी मेरी नहीं सुनी है। मैनू अंदर लेके गए और मैंने अंदर ले जाके उन्होंने बंद कर दिता सी और मैंने कुटिया उन्होंने, और हस्बैंड ने मैंने कुटिया, और नाल हो भी 4-5 उन्होंने गुंडे तत्व रखे हुए सन और रिवाल्वर तक उन्हें कड ले सी। उस टाइम वह बंदा ड्रग्स का काम करता है, इस करके उस पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे। मेन गल है कार की चाबी उन्होंने मेरे को खोली और मेरी कार हाले तक मैं नहीं मिली हैगी। दूसरी गल कि सामने एक ही कार है, दो कार है, एक ओदा कार है, एक साड़ी ड्रग्स का काम करता है। मेरे मदर इन लॉ उ कले रेंदे है, उस शाम नू कले ही हो जाते हैं, सवेर वाले तो लैके शाम तक कले होंगे है, उन्होंने देखता रहता कोई काम धंधा तो करता नहीं। और इनकुआरी की जाए कि इन्ना को पैसा कितों आया वै, क्योंकि नैचुरली गल है कि उसी चीज़ तो काम तो एक पैसे का नहीं करता है। मैं तो कभी भी नहीं किते, बस सारी दुनिया तो सारी कॉलोनी कहती कि यह काम करता वा। और दूसरे पास नितिन है लड़का कपूर, मेडिसिन का काम आता, इन्हों की कोई आपसी जी है टसल चलती रहती है छोटी छोटी गलू लैंड, पर यस्टरडे इन्हों का काफ़ी ज़्यादा मतलब लड़ाई बढ़ गई सी और इन्नी बढ़ गई कि इन्होंने जाके मतलब जी मैडम गुप्ता इन्होंने नाल कुछ लोग सके, इन्हें जाके उन्होंने घर के अंदर एंटर करके वो प्रैगनेंट वाइफ है उन्होंने और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब घर में डिस्ट्रक्शन की है विद द हेल्प ऑफ अदर परसन, इन्हें ये मैडम सी इन्हों हसबेंड सके और फिर उस बेस से असी उन्होंने जी नितिन की वाइफ है वो स्टेटमेंट
ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈਵਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈ ਵਿਲ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ। आज हलका अटारी के कैबिनेट मंत्री सरदार गुलजार सिंह रणिके की अध्यक्षता में उनके घर में नए अहदेदारों को नियुक्ति पत्र दिए गए, जिसमें बीबी सरबजीत कौर वार्ड नंबर 4 की सीनियर मीत प्रधान हलका अटारी नियुक्त की गई, जिसमें उन्होंने सरदार गुलजार सिंह रणिके का तहे दिल से धन्यवाद किया और कहा कि वह पूरे तन मन से पार्टी की सेवा करेंगी। इस अवसर पर सुनीता संधू, बीबी कुलविंदर कौर, श्रोमणी अकाली दल स्त्री विंग ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਥਾ ਡਿੰਪਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਉਪਸਥਿਤ ਥੇ। ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਅਟਾਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਨਮਾਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਅਟਾਰੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੀ। 2017 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੀ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਵਾ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਤਾਵਾਂਗੀ। पंजाब में आने वाले NRI की सेवा के लिए पंजाब पुलिस के द्वारा अलग से NRI थाने खोले गए हैं, लेकिन इन थानों का सच अमृतसर में तब देखने को मिला जब कनाडा से आए एक व्यक्ति ने इन थानों की पोल खोल दी। दरअसल हरनेक सिंह नाम का व्यक्ति कनाडा का निवासी है और उसने भारत में एक व्यक्ति को सोने के आभूषण बनाने के लिए 20 लाख रुपए दिए थे, लेकिन बाद में उस व्यक्ति ने ना तो उसे पैसे वापस दिए और ना ही आभूषण। और इस मामले में जब NRI ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई तब वहां से भी उसे कोई इंसाफ नहीं मिला और इस तरह NRI को 3 महीने लग गए इंसाफ के लिए भटकते हुए। वहीं अब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने दुख का इजहार किया है और कहा है कि सरकार का प्रयास अच्छा था कि NRIs के लिए अलग पुलिस थाने खोले जाएं, परंतु उसमें जो पुलिस कर्मी है वह ठीक तरह से काम नहीं करते। मैं कनेडा च रह रहा, मैं कनेडा का NRI हैगा, सिटीजन है मैं कनेडा का। तो मैं अपने बेटे के मैरिज वास्ते एक ज्यूलर सुशील सिंह, सरबजीत सिंह, रघुवीर सिंह 20 लाख रुपया मैं दिता डायमंड ज्वेलरी बनाने वास्ते। उन्होंने बंद ने ना मैं ज्वेलरी दिती तो ना मेरे पैसे वापस किए। मैं NRI थाने के परनीत सिंह ढिल्लों जड़े इंस्पैक्टर ने उन्हों को दरखास्त दी कि मैं इंसाफ दवाया जाए। उन्होंने मैं 3 महीने तो उन्होंने गेड़े मार रहा, उन्होंने मैनू सिर्फ मिठिया मिठिया गलों ना ही टालिया, कोई उन्होंने मैनू कोई इंसाफ नहीं दिता। मैं सरकार को बेनती करता हाँ कोई काबिल अफसर ला के कहीं किसी NRI इंसाफ दवाया जाए। मैं जितों तक सुनया वा सगो क्रिमिनल जोड़े लोग ने उन्होंने एक क्लीन चिट दे देंगे ने NRI थाने, किसी NRI के नाल कोई फेवर नहीं करते, ना फेवर करते ना जस्टिस ही करते हैं। सो इस करके मैं मंत्री जी ने भी मानयोग मंत्री जी प्रकाश सदा प्रकाश सिंह बादल तो होर गौरमेंट को बेनती करना कि NRI लोगों वाल ध्यान किया जाए, इन्हों 4-4 महीने खराब करके तो फिर जी गल करनी होती है वो अगेंस्ट इन्हों कर देंगे ने। मैं जी 3 महीने पहला दरखास्त मैं शिकायत दी थी तो हूँ तक कोई कार्रवाई नहीं इन्होंने की, तो मैनू रोज़ मिठिया मिठिया गल्ला मेरे ना करके तो मैनू उतों तोड़ देंगे ने। ये कह देंगे ने फैसला तेरे हक च होगा, तू सानू पता दूसरी पार्टी झूठी आ, उन्होंने तेरे ना चीटिंग की आ, चैकों ना मैं पेमेंटा की ने, कोई कैश पेमेंट नहीं गी, वो मैं चैकों कापियां भी तुहानू। मैं सारे NRI नू रिपोर्ट करदा हाँ ये जो NRI थाने गवर्नमेंट ने बनाए ने है तो बहुत वधिया सोच। आम आदमी पार्टी से निराश तथा नाराज होके लीडर तथा वर्कर्स की तरफ से स्वराज पार्टी को पंजाब में उतारने का फैसला लिया गया है, जिसके चलते उनकी तरफ से अमृतसर की जिला बॉडी का ऐलान कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी आम लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है, जिस कारण उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ अपनी एक नई स्वराज पार्टी को अस्तित्व में लिया है, जो कि पंजाब में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक प्रोग्राम दोबारा से शुरू करेंगे तथा पंजाब को नशा मुक्त पंजाब बनाएंगे। इस अवसर पर संतोख सिंह राही, राजेंद्र सिंह सफर, कुंदन सिंह, गुरमुख सिंह, डॉक्टर सुखदेव सिंह, धविंदर सिंह कैमी, प्रकाश मसी, मंगत राम मवाहा, प्रीतम सिंह बेहाल आदि उपस्थित थे। जो वो संघर्ष चलिया सीगा, जो वो मूवमेंट चली सी, जो उदा आदेश सीगा, उस आदेश दे विचों जिहड़ी पार्टी का जन्म होया आम आदमी पार्टी का, वो उन्हां आशावां ते पूरी नहीं उतर सकी, उन्हां नीतियां ते निराश हो के जोगिंदर यादव जी, प्रशांत भूषण
आनंद किशोर जी या दूसरे साथी जिहड़े सीगे उन्हां ने ना जो होया वो ये चाहते सी कि जिहड़े लोग हाशिए दे तक ते गए ने जिहड़े लोग व्यवस्था तो बाहर कर दिते गए ने उन्हां नूं हिंदुस्तान के लोक राज विच योग थां मिलना चाहिए है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी उन्हां आशिया नूं पूरा नहीं कर सकती। उन्हां भावनावां नूं अगे वधाउंदिआं पंजाब दे विच स्वराज पार्टी पंजाब का गठन किया गया है। ये पिछली 29 तरीक नूं इहदा गठन होया जी। उस डेलीगेट इजलास दे विच प्रोफेसर मनजीत सिंह जी नूं पंजाब प्रधान चुन लिया गया है और सारे जिलों के इन्हां दे स्ट्रक्चर जिहड़े आ उह कायम ने। अमृतसर दे विच सरदार प्रीतम सिंह जी बिहाल नूं जिला कन्वीनर बनाया गया और असी स्वराज पार्टी सत्ता परिवर्तन के नाल नाल व्यवस्था परिवर्तन जिहड़ी आ उह चाहुंदी है। संविधान के दायरे के अंदर रहिंदिआं व्यवस्था परिवर्तन लोगों की सोच नूं बदल के किया जा सकता है। साढ़े विच ते उन्हां विच फर्क यह है कि उन्होंने जो वादे किए थे जां जो स्वराज की उन्हें गल की सी वो पिछले 1.5 साल तो कितने भी स्वराज नज़र जिहड़ा नहीं आ रहा। ना तो अज तक आम आदमी पार्टी की कोई इलैक्शन ही होई है, सिर्फ कन्वीनर चलिया आ रहा वा तो वह पार्टी जिहड़ी आ वह वन मैन शो बन के रह गई है। जो जिनी भी पावर है वो सारी केजरीवाल के हाथ च है जदों के ये अंदोलन जिहड़ा वा सारी ताकत नूं हेठले लैवल तक लैके जाण दी गल करदी सी लेकिन उन्होंने ताकत। उत्तर प्रदेश कल्याण परिषद का मामला गरमाता ही जा रहा है। इसके चलते अमृतसर में उत्तर प्रदेश कल्याण परिषद के प्रधान डॉक्टर JP सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान RC यादव पर पंजाब प्रवासी भलाई बोर्ड के चेयरमैन तथा उत्तर प्रदेश कल्याण प्रदेश के प्रधान RC यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि RC यादव संस्था से 2003 से लगातार प्रधान चले आ रहे हैं, जबकि कानून के अनुसार उनका भी दायित्व बनता था कि वे रजिस्टर फॉर्म एंड सोसाइटी के दफ्तर में नवीनीकरण के लिए आवेदन करते। सभी संस्थाएं संविधान के अनुसार कार्य करती हैं तथा संविधान के अनुसार कोई भी सदस्य 4 वर्ष से अधिक समय तक पद पर लगातार नहीं रह सकता, जबकि RC यादव पिछले 13 वर्षों से लगातार प्रधान चले आ रहे हैं, जो कि सरकार की उल्लंघना करता है। यह है कि जिहड़ा उन्होंने 22/6 नूं अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी जिहड़े उन्होंने एलीगेशन लगाए सन वो बड़े बेबुनियाद सन और वो एक गलत संदेश जा रहा है कि लोगों से कि ये अपना ठीक हैगा। उसनों रिपोड्यूट करने वास्ते असी ये अज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो उत्तर प्रदेश कल्याण परिषद के नाल जी सच्चाई है वो सारी तुहाडे नाल बयान की है। ये जो साडा प्रेस नोट है वो लिखे है और वो जी सा रजिस्ट्रेशन 22/6 की हुई है वो बारे भी तुम सारे जानकारी दी गई है। शुरू तो जिस वे संस्था बनी उस वे तो लैके हूँ तक जो संस्था बनी जोड़ा रैन बसेरा बनया वो फोटोग्राफ वगैरह साढ़े सारे सामने दी गई है और साड़ी ही संस्था जी है असली है। यादव जी वो की कहते हैं अनाधिकार के कहते हैं बना के बैठे हुए हैं, वो सोचते हैं कि मैं सरकार च हाँ, मैं प्रवासी भलाई बोर्ड का चेयरमैन हाँ, मैं जो चाहवा मैं गल कर सकना, मैं गलत काम भी कर सकता। असी उन्होंने यादव जी के कोई साड़ा कोई अपना कोई जाति मन मुटाव नहीं है। उन्होंने जी एक्शन है जो उन्होंने जोड़ा व्यवहार है जोड़ा उन्होंने जोड़ा डिकटेटरशिप है असी सारे लोग उन्होंने खिलाफ़ हैं। असी चाहते हैं कि वह भी सेवा करन पर ढंग नाल सेवा करन और हर संस्था के विचकार चुनाव होंगे ने, चुनाव के मुताबिक नवे आदमी आते हैं नवे आदमी और हूँ तो वैसे भी संस्था के कोई भी संस्था हो कि नवे बंद अगे आने का मौका मिले असी उस संस्था के मुताबिक काम कर देते हैं। कोई चुनाव नहीं कराया, चुनाव गलत है क्योंकि 10/5 में साड़ा चुनाव होया और नैक्सट डे जैसे अखबार च आया उन्होंने चुनाव करा लिया। जो चुनाव उन्होंने ऑलरेडी 2003 तो लैके 4 साल तो बद रह नहीं सकते, 2007 के बाद ऑलरेडी ही वॉज अनकंस्टिट्यूशनल। उत्तर प्रदेश कल्याण परिषद को 2 अक्टूबर 1980 को बनाने वाला मैं हूँ, स्टार्ट मैंने इसको किया और 1980 से मैं इस परिषद के साथ जुड़ा हूँ और संवैधानिक तरीके से हर 2 साल के बाद इस परिषद का चुनाव होता चला आ रहा। हमारे संविधान में 2 साल के बाद चुनाव हुआ करेगा, एक आदमी एक पद पर 2 बार से ज़्यादा नहीं, यानी 4 साल तक एक आदमी एक पद लगातार रह सकता है। बाद में 2 साल का गैप लेके अगर जनता चाहती तो फिर बस रह सकता है,
लेकिन आर सी यादव जब अपने आप ही को बता रहा है कि मैं 2003 से प्रधान बना रहा हूँ, उनको जब याद दिलाया गया कि आप 2003 से जब लगातार आप ही कहते हो मैं प्रधान बना रहा हूँ, तब 2016 हो गया, तो आप बीच में जो गैप पड़ा है क्यों पड़ा? अमृतसर के गुरु अमरदास एवेन्यू गली नंबर 8 कुमताला के नजदीक दो पड़ोसियों के बीच पैदा हुए विवाद के मामले में थाना कैंट की पुलिस ने एक महिला एडवोकेट, उसके पति सहित अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। एसीपी वेस्ट सरदार गुरप्रीत सिंह ने बताया कि नितिन कुमार के नजदीक ही दीपक कुमार का घर है। कुछ दिनों से वह प्लॉट पर मिट्टी डलवाने का काम करवा रहा था। दीपक कुमार इस बात से खफा था कि नितिन गली में गाड़ियां लगा रहा है, इसी रंजिश के कारण दोनों का झगड़ा रहता था। नितिन कुमार ने इस संबंध में पुलिस को भी शिकायत की थी। इससे खफा होकर दीपक कुमार ने अपने भाई संदीप गुप्ता और उसकी पत्नी एडवोकेट अनु गुप्ता तथा अन्य लोगों को साथ लेकर नितिन के घर पर हमला कर दिया। इससे नितिन, उसकी पत्नी तथा दोस्त घायल हुए और नितिन के सर पर गंभीर रूप से चोटें भी आई हैं। उन्होंने घर के अंदर आके तरपाना फड़िया, गंदासियां फड़े, इक्के रोड़े चलाए है। बकायदा दो कॉन्स्टेबल पीसीआर वाले भी सामने से गवाए गए, उन्होंने सामने अंदर उन्होंने हमला किया वा। उस तो बाद 10-15 मुंडे बुला के नितिन भाजी ने मेनू दोवां बाहर फड़िया, उन्होंने तरपान गंदासी दोवां सारे को 15-20 मुंडे से घट्टो घट्ट, तो कच भी फड़े मेरे कच को सिर सुर से टाके आए हैं भाई, ये बहुत ज्यादा सट लगे, अंदर खून ब्लीडिंग हो रही है, आई सी एडमिट है। उन्होंने मारते जो बेहोश हो गए, फिर भी मारते पे उन्होंने, मैनु भी उतो मारते पे। बस उन्होंने जी वाइफ से जो अंदर हमला किया, इन्होंने भी हमला किया गया, प्रेगनेंट इन्होंने लेडी को प्रेगनेंट इतने लेटे हुए, इन्होंने भी हमला किया गया। जी नितिन कपूर गुरु अमरदास एवेन्यू गुमटाला बाईपास के उपर ही रेंदे ने, तो इन्हों सामने जे गुआढ़ी इन्हों दीपक, तो इन्हों दीपक की नितिन कपूर की इन्हों की थोड़ी जी आपस में रंजिश चल रही है कि इन्हें नितिन कपूर ने अपना नाल एक प्लाट लिया हो घर के नाल, तो उस प्लाट के ट्रालियां राही मिट्टी पवा रहा है, तो इस गल करके दीपक जरा वो इन्हों तो इन्हों लड़ता कि तुहाड़ियां ट्रालियां गली च क्यों आउंदियां ने, तो इसे नूं चलदे कल करीब शाम नूं 5-6 बजे इन्हों की गली के इन्हों आपसी दोनों धिरां की तकरार हुई है, पहला बोल कबोल होया है। नितिन ते इस दे परिवार मैंबर जिहड़े आ इस दी कंप्लेंट लिखाउण वास्ते चौंकी गुमटाला गए सी, ते इन्हें नूं पिछों जिहड़ा इन्हे दीपक ने अपने होर अपने साथी इकट्ठे कर ले, जिन्हां दे विच इहदी इहदा अपना ब्रदर है संदीप गुप्ता ते उसदी पत्नी अनु अते उसदे नाल होर अणपछाते जिहड़े इन्हां ने बंदे इकट्ठे कीते कर ले। जदों इह वापस आया कंप्लेंट लिखाउण तों बाद तां इस दे घर इन्हां ने अटैक कर दित्ता, जिस दे विच नितिन दे वी काफ़ी सट्टां लाईआं ने। उसदा दो सिद्धांत है, ते एक इन्हां दा राजेश कुमार इन्हां दा फ्रेंड है, इन्हां दी सट्टां लाईआं, इन्हां दे घर एंटर करके इन्हां दे घर च बहुत तोड़ भन्न कीती है, इन्हां दरवाजे तोड़ते इन्हां दे, ते मौके ते असीं तफ्तीश करन रात वी आए सी, ते हुण फिर दोबारा मौके दी जांच करन आए आ, असीं बाकी रहिंदे दोषी वी जिहड़े आ जल्द काबू कर लांगे। आज आबादी बहोड़ू पुल सांघना कलोनी में धर्मेंद्र सिंह एप्पल की अध्यक्षता में कैबिनेट मंत्री सरदार गुलजार सिंह रणिके को अपने घर में बुलाकर सम्मानित किया गया और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सरदार गुलजार सिंह रणिके जी ने भी आज आबादी बहोड़ू पुल सांघना कलोनी में धर्मेंद्र सिंह एप्पल की अध्यक्षता में कैबिनेट मंत्री सरदार गुलजार सिंह रणिके जी को अपने घर में बुलाकर सम्मानित किया गया और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सरदार गुलजार सिंह रणिके जी ने भी धर्मेंद्र सिंह एप्पल को सरोपा डालकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सरपंच गुरप्रीत सिंह सांघना, सरपंच गुरपाल सिंह बहोड़ू तथा हरप्रीत सिंह बहोड़ू, दारा सिंह बहोड़ू आदि उपस्थित थे। ਸ਼ੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਐਪਲ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਹਿੰਮਤੀ ਹੈ, ਤਕੜਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਥੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਘਰੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕੜਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਵੀ ਉਹ
तगड़ा होकर काम करेगा अपने साथियों मुंडियों को नाल लैके सारी पंचायत के नाल जुड़ के वह पिंड का काम जो करूगा। आप पिंड आबादी बोड़ू पुल तो सरदार गुलजार सिंह रैणी से कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब उन्होंने अपने ग्रह विखे पहुँचे तो बहुत बहुत धन्यवाद करता जगत जी का खालसा जगत जी का। मैंने उन्होंने माण बख्शा इसका मैं तय दिलो तनो मनो उन्होंने अपनी पार्टी की और उन्होंने पूरी मजबूती लई कामयाबी लई अपने। अमृतसर में एक सफाई कर्मी की एक खुले सीवरेज के होल में गिरकर मौत होने का समाचार प्राप्त हुआ है। दरअसल राजकुमार नाम का व्यक्ति अमृतसर के फोरेस्ट स्कूल के पास बने अपने नगर निगम के दफ्तर में काम करने के लिए आया और साथ ही इस जगह पर एक बड़ा होल है जिसमें कि जिले का गंदा पानी आता है वह उसमें गिर गया। जिस जगह पर यह होल बना था उसके आसपास कोई भी दीवार नहीं थी जिससे कि वह अपने आप को बचा ना सका। वहीं प्रशासन की गलती के कारण ये घटना घटी। जब तक उसे बाहर निकाला गया तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वहीं इस बीच पुलिस के अधिकारी तथा निगम के अधिकारी मौके पर आए और घटना की जानकारी ली। इस मामले में पुलिस का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। इतने साढ़े डिस्पोजल जिहड़ा हैगा साडा उसते एक साडा सीवरमैन उन्हां दे अचानक डिग के आज डूबने कारण मौत हो गई हैगी। काफ़ी दुखद घटना है ते अचानक ही ये होया हैगा बिना किसी कारण तो ते सानू भी सदमा हैगा कि ये किवें हो चुके किवें हो गया हैगा। इसदा दा नहीं होना चाहिदा सीगा ते असी परिवार दे नाल ने ते इस दे विच जो भी बनती कार्रवाई होएगी असी करांगे जिहड़ी भी बनती सहायता होगी असी देवांगे। सुबह 8:30 बजे बता रहे नहीं और उन्हां दा जिहड़ा मुंडा हैगा जो भी नाल कल काम करता हैगा वह भी नाल सीगा उन्हां नूं भी नहीं पता चलिया कि किवें होया हैगा। असी काफ़ी ज़्यादा करने के बाद पानी वगैरह जिहड़ा निकाला हैगा वैल तो उस तो बाद पता चलिया हैगा कि बॉडी जिहड़ी भी बनती मदद हैगी सरकार वालों जो एक्सग्रेशिया हैगी कॉपरेशन वालों सरकार की पॉलिसी के अनुसार 10 लाख रुपए की जिहड़ी हैगी अपनी मदद राशि की वह भी की जाएगी। ये अज सानू कंट्रोल तो मैसेज आया भी राजकुमार सानू रामलाल जिहड़ा इत्थे सीवरेज मैन से फोर्थकला काम करता ही ये दोनों अपने बेटे के नाल करन दे नाल इत्थे आए। आने तो बाद जिहड़ा बाबे का इधर बाथरूम वगैरह करना गया अचन चेक उहदा पैर फिसल नाल उह होल च डिग पिया। अमृतसर में पंजाब के कैबिनेट मंत्री सरदार गुलजार सिंह रणीके की अध्यक्षता में पंजाब सरकार के द्वारा पंजाब में किए गए विकास कार्यों को हर घर गली मोहल्ले शहर में पहुंचाने के लिए एक वैन को हरी झंडी दिखाकर हल्का अटारी से रवाना किया गया। इस दौरान सरदार गुलजार सिंह रणीके ने कहा कि ये वैन पंजाब वासियों के लिए एक वरदान साबित होगी। वो दसन वास्ते कही पहली सरकार है मेरा खड़े हिंदुस्तान की सारी दुनिया की अपना लेखा जोखा जरा देना पी ही तो जे तीन सू मौका दिता ही पंजाब की संगत ने पंजाब के लोगों ने तो वह लेखा जोखा दिए संगतान ने भी यही किया 9 साल से साढ़े 9 साल के वो लेखा जोखा भी नाल नाल भी पंजाब वास्ते पंजाब के लोगों की पंजाब की तब्दीली पंजाब की डिवेलपमेंट का जो होर स्कीम जिन्हें बनाइया वो किस ढंग कीतियाँ वो भी वह प्रचार भी जरा वो हो रहा ता जो लोग अवेयर हो सकन जागरूक हो सकन कि साड़ी जे सरकार मानयोग मुख्यमंत्री साहब न सेवा पंजाब की संगत ने दी तो उन्होंने राह देने करके कली कली चीज़ को वेख्या बिना खोख्या फिर समझा चाहे वह किसानी का मसला ही चाहे वह गरीबों का मसला ही चाहे वह पानिया का मसला ही चाहे व्यापारी का मसला ही चाहे वह मुलाजम का मसला ही जो भी पंजाब न देश में जुड़े मसले उन्होंने बहुत नेड़े हो गए पहला वेख्या और सारी जिंदगी उन्होंने तजर्बे पहला सारी कुछ समझ के सारा 9.5 साल का रिकॉर्ड तोड़ विकास भी हो रिकॉर्ड तोड़ स्कीम भी चलिया तो रिकॉर्ड तोड़ ही सारे मेमोरियल जोड़े भगतान के सरदार प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री पंजाब सरदार सुखबीर सिंह बादल उप मुख्यमंत्री पंजाब सरदार गुलजार सिंह रणीके कैबिनेट मंत्री पंजाब ये बड़ी उच्ची सोच है जो पंजाब सरकार ने फैसला किया ये सारे पंजाब दे विच जो सरदार प्रकाश सिंह बादल ने इतिहासिक फैसले किए ने इतिहासिक बिल्डिंगा बनाईया इतिहासिक विकास किया विकास के नाल नाल सरदार बादल ने यह चाहिया कि सारे धर्मां नूं नाल लैके तुरना उहदे तहत ये जिहड़ी फिल्म है चार साहिबजादे ये लोगों नूं एक मार्ग दसेगी ये छोटे साहिबजादे 5 साल के 7 साल की उम्र के एड्डी वड्डी कुरबानी दे सकदे आ
ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ, ਇਹੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਡਾਲਤੇ ਹੈ ਅੱਜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਮਾਚਾਰੋਂ ਪਰ। SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਕੀ ਰੰਗਾਈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਖੇੜੀ ਸਰਾਮ ਕੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ। पुलिसकर्मी के बेटे की हत्या के मामले में दो गैंगस्टर किए गए गिरफ्तार। अमृतसर के स्थापना दिवस के मौके पर इको अमृतसर की ओर से निकाला गया मार्च। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं, कल मिलेंगे कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत।